2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। रणनीति और प्लानिंग के साथ बैठकों और रैलियों का दौर भी शुरू होने लगा है। खासकर एनडीए के भविष्य को लेकर होने वाली लड़ाई काफी दिलचस्प होती दिख रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में जो परिणाम आए थे, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है। विपक्षी दलों को बीजेपी के विधानसभा चुनावों में बढ़ते प्रभाव से अपने वजूद बचाने की चिंता सताने लगी है, तो सहयोगी दल भी 4 सालों में बीजेपी के साथ खट्टे मीठे अनुभवों के बाद नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की मुलाकात होने वाली है। बैठक के बाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक भविष्य के बारे में बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके ठीक बाद बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इससे पहले ही नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की मुलाकात होने वाली है। बिहार की सियासत में लगातार कुछ न कुछ हो रहा है। 12 जुलाई को अमित शाह पटना आने वाले हैं। उस बैठक को लेकर एनडीए गठबंधन की पार्टियां पहले से ही रिहर्सल में जुटी हैं। ये अलग बात है कि रामविलास पासवान 2024 तक पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी के काबिज रहने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। सहयोगियों को एकजुट रखना बीजेपी की सियासी मजबूरी है, लेकिन इस तरह की बैठकों और नीतीश कुमार के भाषणों से साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार भविष्य के लिए किस तरह की तैयारियों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMF न्यूज़।